लिए एक और अच्छी सूचना है कि जैसे आप सभी जानते हैं 9534 जो यूपीएसआई की वैकेंसी जिसके 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, 1 अप्रैल 2021 से जिसके फॉर्म भरे जाएंगे, यह भर्ती बिल्कुल अलग है 9534। इसमें आप सिविल में एसआई बनोगे या फिर पीएसी के प्लाटून कमांडर या फायर ऑफिसर। यह जो भर्ती है यह गोपनीय विभाग में होती है, किसमें होती है, गोपनीय विभाग, कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट जो होता है, यह एसआई और एएसआई की है, यह एसआई और एएसआई की है। एसआई गोपनीय, एएसआई लिपिक जो अपने क्लर्क लेवल होता है, और अकाउंटेंट एएसआई। तो ध्यान से पढ़िएगा ये नई वैकेंसी आप लोगों के लिए, मैं पूरा का पूरा पीडीएफ खोल देता हूं। इसका सिलेबस भी थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल जो अपनी एसआई होती है उससे सिलेबस अलग है। तो पहले आप देख लीजिए, ये सबसे पहले 1 मई से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें जो कुल भर्ती है साथी वो 1277 पद हैं। एसआई गोपनीय समूह गय की जैसे अपनी नॉर्मल होती है 295 तो नॉर्मल है, और सतर्कता जो विजिलेंस होता है 32 पद उसमें है। एएसआई लिपिक क्लर्क 624 पद, और एएसआई अकाउंटेंट जो होते हैं उसके 358 पद, कुल 1277 तो वैसे हैं, और 52 सतर्कता विभाग में है। अब इसको श्रेणी बार बता रखा है कि अनारक्षित के लिए कितने हैं, जो सामान्य श्रेणी होती है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने हैं, एससी एसटी के कितने हैं। इसी तरह लिपिक जो क्लर्क वाला होता है, एएसआई क्लर्क जिसको कहते हैं, क्लर्कल कैडर जो होता है, उसके 624 पदों का ये पूरी की पूरी इन्होंने व्याख्या दे रखी है, दिख रहा होगा। ये अकाउंटेंट एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंटेंट, चलिए बच्चा। उसके अलावा ये अलग पद है कुछ जिनकी संख्या 32 है, पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय समूह गए सतर्कता अधिष्ठान में, और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक समूह गए 20। चलिए ये गोपनीय वालों में, और आपको फिर से इसमें पूरा बता रखा है पदों की संख्या, इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से आपको ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंस भरनी है कि आप एएसआई चुनना चाहते हैं या एसआई। 1 मई से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, जो अपनी 9534 भर्ती है उसके तो 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे 30 अप्रैल तक, इसकी 1 मई से 31 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे 1 महीने बाद। ₹400 का शुल्क लगेगा, बाकी आप भारत के नागरिक होने चाहिए, 21 से 28 साल उम्र है, 5-5 साल की छूट है एससी एसटी ओबीसी को, ठीक है। इसकी बाकी आप लोग योग्यता सुन लीजिए, जो पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय है यूपीएसआई गोपनीय वाली जो होती है ये पद, इसमें आपको स्नातक होना चाहिए, वही ग्रेजुएट, हिंदी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड, इंग्लिश में कम से कम 30 शब्द की, साथ साथ 80 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि भी होनी चाहिए आपके पास। आशुलिपि श्रुति लेख इसको कहते हैं, शॉर्ट हैंड टाइपिंग शायद कुछ करके, चलिए। और ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपके पास बीएससी आईटी है या एमएससी कंप्यूटर साइंस है, या आपने बीटेक कर रखा है, या आपने सरकारी या कहीं से 52 हफ्ते का अर्थात 1 साल का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप लोग भर सकते हो। ये सब ओ लेवल से ऊपर या उसके बराबर होते हैं। लिपिक के लिए सेम टू सेम चाहिए, सेम टू सेम, लेकिन जो लेखा है अकाउंटेंट पद के लिए कॉमर्स से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसमें बीकॉम आदि चलता है। चलिए ओ लेवल इसमें भी होना चाहिए, हालांकि इसमें इंग्लिश की जरूरत नहीं है, इसमें 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण होना चाहिए यूनिकोड में, हिंदी टाइपिंग। चलिए बच्चा, जिस दिन आपके फॉर्म भरे जाएंगे उस दिन तक आपके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। आयु 21 से 28, और आयु जो गिनी जा रही है वो 1 जुलाई 2021 को गिनी जा रही है, इसका मतलब 1 जुलाई 1993 से पहले और 1-7-2000 बाद के जिनका जन्म हुआ है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। बाकी एससी एसटी ओबीसी को 5-5 साल की छूट, भूतपूर्व सैनिक को 3 साल की, और उत्तर प्रदेश के किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहा है
तो 5 साल की छूट इसमें एज में दी हुई है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। इसमें चरित्र वरित्व वैवाहिक व्यवहार में भी कोई दिक्कत नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया देखिए, जो यूपीएसआई 9534 में भरोगे उसमें 100 नंबर की हिंदी होती है, 100 नंबर का मूल विधि संविधान, इसमें सामान्य जानकारी और करंट अफेयर है, अर्थात जो कांस्टेबल वाला सिलेबस है वो कांस्टेबल वाला जीके का सिलेबस है, इसमें मूल विधि नहीं है। याद रखिएगा साथी, इस वाली भर्ती में मूल विधि नहीं है, इसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है 100 नंबर के, वही 40 क्वेश्चन 2.5 नंबर के, बाकी इसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर ज्ञान के हैं। हिंदी इसमें 50 नंबर की है और 50 नंबर का कंप्यूटर है, ऐसे आप समझ सकते हो। इसमें हर एक सब्जेक्ट में 35 और ओवरऑल 40 भी आपको लाने होंगे। लिखित परीक्षा होगी कंप्यूटर पर, बाकी आपका मैथ है और आपकी रीजनिंग है, वही 40-40 क्वेश्चन। चलिए बच्चा उसके बाद में ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 156 और जो आपका सीना होगा वो 77-82, महिलाओं के लिए ऊंचाई 150 और वैसे 145, तो जो नॉर्मल एसआई है उससे कम इसमें ऊंचाई भी मांगी जाती है। चलिए 40 किलोग्राम कम से कम वजन होना चाहिए, बाकी इसमें कंप्यूटर की तो परीक्षा होगी होगी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हां फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, जो जीके का सिलेबस है वो जीके का सिलेबस एग्जैक्ट इसमें कांस्टेबल वाला है और ये 9534 से अलग है, ये जो भर्ती है ये 9534 वाली से अलग है। जिन लोगों को आयु में छूट चाहिए, जाति और मूल निवास 1 अप्रैल 2020 के बाद का और फार्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, फार्म से लास्ट डेट की से पहले का। जिन लोगों के पास कंप्यूटर आदि की कोई डिग्री है और उन्हें दिक्कत है तो इसमें लास्ट में एक वो दे रखी है टेबल, आप उसमें अच्छे से उस टेबल को पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों की डिग्री ओ लेवल के बराबर है या ओ लेवल के बराबर नहीं है। ओ लेवल के बराबर आपकी डिग्री है या ओ लेवल के बराबर साथी आपकी डिग्री नहीं है, यह इसमें आपका पूरा सिलेबस दे रखा है। हिंदी का सिलेबस तो सेम टू सेम एसआई के जैसा है, बस कंप्यूटर की इसमें हो गए, तो प्रीति मैम आपको कल से कंप्यूटर की क्लास लगा देंगी, कल से आपको कंप्यूटर की क्लास, ऐप पर पढ़ना हो तो यूपीएसआई उड़ान बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसी में आपकी कंप्यूटर की एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी और जीके की आपकी क्लास एक्स्ट्रा लगवा दी जाएंगी। तो कंप्यूटर की लगभग 15 के करीब चैप्टर, कंप्यूटर के 15 नहीं 18 के करीब। ये जो अगर जीके का सिलेबस देखोगे तो जीके का सिलेबस सेम टू सेम कांस्टेबल वाला है, विमुद्रीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, ये सारी की सारी सेम टू सेम कांस्टेबल वाला सिलेबस है जीके का। बाकी ये करंट अफेयर एक्स्ट्रा आ जाते हैं इसमें, करंट अफेयर सुबह 6 बजे वाली क्लास लिया करो, ये आपका मैथ और रीजनिंग का सिलेबस हो जाता है, मैथ और रीजनिंग। चलिए उसके बाद में यहां पर एक टेबल दे रखी है, इसमें आप यहां पर आपके क्वेश्चन दे रखे, जैसे किसी ने पूछा है बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस 3 साल रहा है परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या ये ओ लेवल के बराबर है या ऊपर है? तो कहिए ओ लेवल से ऊपर है, इसका मतलब आप फॉर्म भर सकते हो, ओ लेवल के बराबर या ऊपर तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी में कंप्यूटर साइंस डिग्री बीएससी की मिली है, कंप्यूटर साइंस विषय अंतिम वर्ष में रहा है, तो याद रखना एक वर्ष में तो आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो भी ओ लेवल के बराबर है। बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 साल रहा, यह भी ओ लेवल से ऊपर है। बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन अंतिम साल रहा तो भी उसके बराबर है। क्या बीबीए ओ लेवल? तो बीबीए ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, बीएससी आईटी ये उससे ऊपर की है। सीसीए तो सीसीए 6 महीने का होता है, इसके बराबर नहीं है। आईटीआई से आपने 52 हफ्ते कोपा किया है तो ये आपका इसके ओ लेवल के बराबर है। तो यहां पे आपका ये कुछ क्वेश्चन दे रखे, बीटेक वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक की है। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये एक डिपार्टमेंट होता है यूपीएसआई में, गोपनीय विभाग, तो गोपनीय विभाग के पद है, एसआई के भी है इसमें, एएसआई के भी है इसमें, साथ ही एसआई के पद भी है आपके
एएसआई के पदवी है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 1 मई से फॉर्म भरे जाएंगे। आपके पास एक बात अच्छे से याद रखिएगा, ओ लेवल या उससे ऊपर की डिग्री होनी चाहिए, ओ लेवल या उससे ऊपर की डिग्री होनी चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें मूल विधि नहीं है, संविधान भी अलग से नहीं है, जीके है वही 100 नंबर का, हिंदी और कंप्यूटर है 100 नंबर की, मैथ और रीजनिंग है 100 नंबर के, तो इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। मूल विधि संविधान जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी 1 अप्रैल से आपकी आ रही है यूपीएसआई 9534, वो भर्ती अलग है,